नमस्कार दोस्तों, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें, सरकारी रिजल्ट नाम से आजकल मिलती जुलती बहुत ही फेक वेबसाइटें आ गई हैं, इसलिए जब भी आप सरकारी रिजल्ट खोले हमेशा लास्ट में डॉट कॉम जरूर लगाएं। आइए आज हम जानेंगे एमपी व्यापम का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हिंदी में और आधार कार्ड के थ्रू। सबसे पहले एमपी का कोई भी फॉर्म खोल लीजिए, जैसे समय फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म खोलिए। उसके बाद आप पूरा डिटेल्स वगैरह अपनी रीड कीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़िए, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट पे साइन करना है, नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। अब आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक है। एक बात का ध्यान है, जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपका कंप्यूटर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन होना चाहिए, क्योंकि एमपी की वेबसाइट किसी भी और ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट, अब ये लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पे आपसे ई के वाई सी के थ्रू हम आज फॉर्म भरना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपके पास पूछा आधार कार्ड है तो उसको यस करेंगे, फिर ई के वाई सी सत्यापन के लिए आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांग रहा है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसके बाद जनरेट ई के वाई सी करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, उसको डालने के बाद फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। दोस्तों जैसे ही अपना ओटीपी नंबर डालेंगे पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम लास्ट नेम शो करेगा। इसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश के निवासी, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी और आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप जनरल में है तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपकी हायर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन हो डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका है निवास, अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो अर्बन डालिए, गाँव से बिलोंग करते हो तो रूरल डालिए। नेक्स्ट दिव्यांग ऑप्शन, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं है तो नेक्स्ट भी नो कर दीजिए। दोस्तों अगला ऑप्शन है विवाहिता का, अगर आप विवाहित हैं तो यस कीजिए। अगर आप विवाहित शो करेंगे तो आपको अपना शादी की डेट, बच्चों की संख्या, आखिरी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ इंटर करनी पड़ेगी। अगर विवाहित नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट में आपका आता है क्वालिफिकेशन, चलिए हम हाई स्कूल से स्टार्ट करते हैं, आप चाहे तो क्लास 8 से भी स्टार्ट करें, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एक्सेट्रा, जो भी हो, डिवीजन है या सीजीपी है जो अभी है आपका, डिवीजन डाल दी, परसेंटेज आपने डाल दिया, यहाँ आप जिस बोर्ड पास किए उस बोर्ड पर डाल दिया, यहाँ आपने अपना पासिंग ईयर डाल दिया, नेक्स्ट आपने अपना रोल नंबर डाल दिया। फिर जब आप पूरी डिटेल इंटर कर दीजिए, फिर ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। इसी तरह आपको इंटर का डिटेल इंटर करना है, इंटर में आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो आप डालना है, आपको डिवीजन डालनी है, अगर आप पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से बिलोंग करते हैं इंटरमीडिएट तो आपको पूरे सब्जेक्ट इंटर करने हैं, अगर आप कॉमर्स में हैं तो आप कॉमर्स लिख के आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आपको यूजी का डिटेल भी इंटर करना है, यूजी एंटर करेंगे आपको तब ऑप्शन पूछेगा। हाँ एक बात और, अगर आप बीएड है तो बीएड आपको अदर में करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहा है। सेम वही प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है, रोल नंबर तक डालते डालते फिर आपको ऐड कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, उसमें अगर आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका घर का एड्रेस हो वो डाल देंगे, यहाँ पे आपका गली मोहल्ला गांव जो भी हो, आपका क्षेत्र जो हो, आपका तहसील जो हो आपकी, यहाँ पे आपका स्टेट पूछ रहा है, नेक्स्ट आपका वो आ गया डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर आपको अपना पिन कोड इंटर करना है, नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, जो भी आपकी आईडी हो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, सपोज जैसे आपके चेहरे पे तिल है तो आप डालेंगे अमोल ऑन दी फेस, अगर आपके कट मार के कहीं पे तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, आप आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको देनी है। दोस्तों जब ये फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन भी करके उसके बाद प्रोफाइल पंजीकरण पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको प्रोफाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ बैंक डिटेल है, अगर आप एमपी के निवासी नहीं है और बैंक डिटेल नहीं देना चाहते नो कर दीजिए। अब आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते बाद आपका प्रोफाइल नंबर आएगा। दोस्तों जैसे कि सबमिट किया, सबमिट करते बाद आपका प्रोफाइल नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आपको फोटो सिग्नेचर हैंडराइटिंग अपलोड करनी है, अगर आपके पास प्रिंट आउट है ठीक है, तो आप इस क्लिक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी लेटेस्ट फोटो लगानी है जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और नीचे आपकी नाम और फोटो खिंचवाने की डेट इंटर होनी चाहिए और हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियर लिखी होनी चाहिए। उसको फिर आपको कंप्यूटर से स्कैन करना है या ब्राउज करके लगाना है।
दोस्तों जैसे कि मैं ब्राउज करूंगा, फिर आप अपलोड करेंगे व्यू इमेजेस। अपलोड करने के बाद आपको अपनी फोटो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग शो करेगी। अगर आपको प्रॉपरली दिख रही हो तो इस पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ देखिए दोबारा री अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना रहेगा आपको। दोस्तों जैसा कि हमने दोबारा क्लिक किया, ये देखिए आपको इस फॉर्मेट में नजर आएगा पूरा। उसके बाद यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसे आप हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, इसको भी आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको इस पर भी अपलोड बटन दबाना है। दोस्तों जैसा कि देखिए अपलोड करने के बाद क्लिक किया, डाउनलोड सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। अब आपको सबमिट डिटेल करना है। जैसे आप सबमिट डिटेल करेंगे, आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक रजिस्ट्रेशन, ये प्रोफाइल नंबर आप देख रहे हैं ये, और उसके साथ एक पासवर्ड आएगा। इन फ्यूचर आपको कभी भी इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में कुछ भी चेंजेस करना है, आप उस पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले पहले दोस्तों, आज का ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। sarkaririzult.com को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा ओपन करते हुए sarkaririzult.com ही खोलिए। कोई फेक वेबसाइट खुल जाए तो उसके लिए आपको गलत जानकारी मिल सकती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी google.com खोलिए उसमें sarkaririzult.com ही खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।